सलमान, अमिताभ सब टीवी पर आ गए हैं, और ऐसे में आ गया है एक सवाल कि फिल्म्स बड़ी हैं या टीवी? टीवी वर्सेस फिल्म्स की टक्कर लेकर आ रही हैं हमारी आज की गेस्ट जोड़ी राजीव एस टीवी इंडस्ट्री एंड डेलनाज एज द फिल्म इंडस्ट्री। नमस्कार, मैं हूं टीवी इंडस्ट्री, अरुण गोविंद से लेकर राम कपूर तक और आलोक नाथ से लेकर अनिल कपूर तक सब मेरे पास। सोचिए, जो सफर अशोक कुमार की हाय से शुरू हुआ आज अमिताभ बच्चन की हाय तक चल रहा है। मैंने सबको पैसा दिया, फिर वो चाहे दांत घिसने वाला हो या बिना वजह हंसने वाला हो। मैं तो एक ऐसी हीरोइन को भी जानता हूं जो फिल्मों में काम करती थी तो उसके पास बड़ा सा रूम किचन था, लेकिन जैसे टीवी पर आई आज उसका मड आइलैंड पर एक छोटा सा बंगला। टीवी आज एक परिवार का हिस्सा बन चुका है, बच्चों की जगह टीवी ने ले ली है। सोचिए, पहले तीन बच्चे हुआ करते थे, एक टीवी हुआ करता था, आजकल एक बच्चा होता है, तीन तीन टीवी है। यही है हमारा टीवी, और मैं हूं वही टीवी इंडस्ट्री। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। हजार बार मैंने चैनल को बोला है मैं राजीव के साथ शो नहीं करूंगी। हेलो मैडम, मैं वो टच स्किन वाला राजीव नहीं हूँ जो किसी भी लड़की को देखकर टच कर देता है। आई एम राजीव, राजीव ठाकुर। ए, अरे कहाँ मैं बिग लॉस की बड़ी कंटेस्टेंट और कहाँ तुम कॉमेडी सर्कस के 12th मैन? ओ दीदी नुमा भपीलरी, हे ये तेरे सामने इमाम नहीं बैठा हुआ जो बोलेगा टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट? बेवकूफ, ये जो सामने बैठी है ना, ये खुद आउट होके बैठी होती है, और तुझे पता नहीं कब बिना नॉमिनेशन के यहाँ पे एलिमिनेट कर दे, फिर जाके वापस राजीव के साथ करेगी जाके। उसके साथ छो, उसके साथ तो मैं रिक्शा ना करूं। वैसे ठाकुर जी, यू वेरी स्वीट, यू वेरी क्यूट, आई नो। अर्चना जी, आपको पता है मैं ठाकुर की बहुत बड़ी फैन रह चुकी हूँ, अभी भी हूँ। सोहेल जी, इनकी जोक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं फ्रैंकली एक बात बताऊँ, हाँ? तुम कपिल से भी मुझे ज्यादा अच्छे लगते हो। ये तेरा बाप वाला बिग लॉस नहीं है कि यहाँ कुछ भी बकवास करोगे और वो मान लेंगे। ये कॉमेडी सर्कस है, यहाँ झूठ पकड़ा जाता है। अच्छा एक बात बताऊँ, अर्चना जी को ना बड़ा इंटरेस्ट है, वो जानना चाहती है कि अगर सपोज बिग लॉस में से तुम्हें कोई तीन लोग चेंज करने होते, हाँ, तो किन को करती? एक तो डेफिनेटली उर्वशी, दूसरा वो उर्वशी, और तीसरा अर्चना जी उर्वशी। बाहर आके सच्चाइयां पता लगी ना, उर्वशी उर्वशी उर्वशी, अंदर तो जो बाहर जा रहा था उनको गिफ्ट दे रही थी, उसकी बजाय जो अंदर थे ना उनके कान के नीचे दे रही होती ना, तो आज ये शो जीत जाती तू। अच्छा एक बात बता, ये एक्ट में तू बन के क्या आई है आती? तुमने मुझे नहीं पहचाना? ला 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 ला, मैं हूँ फिल्म इंडस्ट्री। ओ तो फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है, तभी मैं सोचूं कि सोहेल भाई फिल्म इंडस्ट्री में वापस क्यों नहीं जा रहे। हेलो, मीट मिस्टर हैंडसम टीवी इंडस्ट्री। ए हड़स सावन की गला खाक हो जाके बत्ती बजा, चिंटुकले पिंटुकले येड़ा बनके बड़ा का संताली वंडाली होत रे वंटा से पतली गले से कटली मा बनाए खराब चिट दूंगी चतुर मुड़ के पंख डोंट रानी सो अत्ता माजी सटके। बड़ा आया स्मॉल स्क्रीन, मैं हूं 70mm की स्क्रीन, आई एम एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। मैंने कितनी फिल्में दी है, शोले, दीवार, दिलवाले दुल्हनिया और हम आपके हैं कौन, सब डर बाजीगर सब बोल, जो उनको सुननी है वो मत बोल, दबंग टू बोल, बदमाश कंपनी बोल, उनको सुनने के लिए बैठे हुए हैं वो। एक बात बता, ये जोकर, तीस मार खान, रावण, इनके नाम कौन लेगा? पता क्या है, तुम अपनी फिल्मों के नाम देखो, जब हीरो नया नया आता है तो मैंने प्यार किया, जब 10-15 साल पूरा डट के प्यार कर लेता, फिर अपने भाइयों के साथ मिलकर पूछ रहा होता मैंने प्यार क्यों किया। हेलो ठाकुर, मैंने युग युग दिखलाया लोगों को, समझे? मैं मधुबाला बनी, रेखा बनी, हेमा बनी, मैंने धर्मेंद्र, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन दिए। अच्छा हाँ, और राहुल राय, दीपक तिजोरी, कमल सदाना, चंकी पांडे, ये हम हैं टीवी इंडस्ट्री वाले जिन्होंने तुम्हें सुपरस्टार शाहरुख खान दिया, जिसने सर्कस किया था, तुम्हें सोहेल खान दिया जो कॉमेडी सर्कस कर रहा है। बोल दिया ना, हाँ।
फिल्म वाले ही आज तुम्हारे जज बने हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के बिना टीवी इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, और टीवी इंडस्ट्री के बिना भी फिल्म इंडस्ट्री कुछ नहीं है। तुम लोग ही आ जाते हैं यहाँ चौथे दिन पे, कभी इजली बिजली का मंडोला लेके, कभी बर्फी, कभी लड्डू। प्रमोशन करनी है, प्रमोशन करनी है। कभी तुमने सुना कि हमारी भारती गई हो दबंग 2 में कॉमेडी सर्कस का प्रमोशन करने के लिए? हेलो हेलो, एक मिनट, हमने एकता टाइगर दी है। और हमने एकता टाइगर दी है, पता है, उन्हीं ने अपने परिवार अवार्ड शुरू किए। एंड बाय द वे, हमारे अवार्ड्स बड़े ही फेयर होते हैं। फेयर? वो ब्लैक लेडी को फेयर बोल रही है। हेलो मैडम, परिणीति चोपड़ा, उसको बेस्ट डेब्यू दूसरी फिल्म इश्क जाते के लिए मिला, ये है फेयरनेस। वैसे मैं एक बात बताऊं, हमारे अवार्ड्स ना बड़े ही फेयर होते हैं ठाकुर, लेकिन तुम्हारे अवार्ड्स हर किसी को अवार्ड दे देते हो। बेस्ट डॉगी अवार्ड, बेस्ट मामी अवार्ड, बेस्ट चाची अवार्ड, बेस्ट चाचा अवार्ड, बेस्ट दादी अवार्ड। ओ हेलो, हमें ना जो अच्छा काम करते हैं, जो अच्छा काम करते उसे अवार्ड देते हैं। और जिनको अवार्ड नहीं मिलते ना, वो आप हम टीवी वालों को देते हो। कितने लोगों को रोजगार दिया हमने, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, गूफी पेंटल, और जो केल भी नहीं बेच पाते ना, उनको हम फिर बिग लॉस में ले लेते हैं। हम लोग लड़ क्यों रहे हैं? देखो, हाँ वही, टीवी इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री एक ही बात है, लेकिन अर्चना जी टीवी इंडस्ट्री को ना आपको कम से कम स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए। हाँ। क्योंकि आज चाहे सिलेंडर का भाव 1200 रुपए हो गया, लेकिन टीवी की वजह से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज चाहे पेट्रोल की कीमत 70 रुपए होगी, लेकिन टीवी की वजह से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने राशन भी यहीं खाना, गाड़ी भी यहीं की यूज करनी है, तो आपको कैसे फर्क पड़ता है? लेकिन ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। एक्चुअली टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन काम दोनों का एक ही है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो जजेस, कैसी लगी आपको हमारी गेस्ट जोड़ी की ये परफॉर्मेंस? अर्चना, इस एक्ट में बहुत सारी चीजें थी जो बहुत खूब थी। द होल एक्ट टुगेदर वॉज एंटरटेनिंग, नॉट परफेक्ट, बट वेल नाज। राजीव जी, आपने आज बहुत खूब किया, वेरी वंडरफुल, थैंक यू सो मच। सुहेल, यू ऑल वर एंजॉयिंग योरसेल्फ, यू ऑल वर हैविंग फन, वेरी एंटरटेनिंग एक्ट। कॉमेडी सर्कस यानी हंसी का सबसे बड़ा नाम, शोले इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा नाम, और जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो बनेगी लाफ्टर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। कॉमेडी सर्कस प्रेजेंट्स हंसी के शोले। नहीं अच्छा लगा ना? इसका मतलब मैं ठाकुर का करेक्टर बहुत अच्छा कर रहा हूँ। अर्चना जी, आप समझ रही ना मैं किस ठाकुर की बात कर रहा हूँ, कि और घटिया करके बताऊं। सोहेल साहब, शोले का ठाकुर आपको बहुत पसंद था, क्योंकि आपके पापा ने वो करेक्टर तैयार किया था और बाद में उसके हाथ कटवा दिए। अगर हमारा कॉमेडी सर्कस वाला ठाकुर लिया होता तो उसके हाथ नहीं कटवाते बल्कि उसकी लाइनें कटवा देते। खैर, मैं हूं छोले का ठाकुर और मैंने स्टायर से बचने के लिए दो कॉमेडियन बुलाए हैं, अजय और धीरो। ये शहर से सीधा हरामगढ़ में आते ही होंगे। धीरू, अजय किधर है? ये तुम गोविंदा को क्यों लेके आए? मैं गोविंदा नहीं, मैं ये क्या? ओ थप्पड़। ये थप्पड़ किस खुशी में मारा गया है? साले, इधर कॉमेडी सर्कस के दो सुपरस्टार, इतना बढ़िया डांस किया तेरे सामने, ताली नहीं बजा सकता था? लगता है आप भूल रहे हो, मेरे हाथ नहीं है। हमें गुस्सा मत दिला, और ये बता हमें बुलाया क्यों था? रब्बर सिंह ने मेरे परिवार के साथ बहुत बुरा किया। सबसे पहले उसने मेरी बीवी को मार डाला। ये तो बहुत बुरा हुआ। नहीं, ये तो अच्छा हुआ। बुरा तो ये हुआ कि उसने मेरे घर पे LCD लगवा दी, DVD प्लेयर दे दिया, रिमोट दे दिया, लेकिन क्या फायदा, मेरे हाथ कटवा दिए। ये तो बहुत नाइंसाफी हुई। इससे भी ज्यादा नाइंसाफी तब हुई जब रामलाल को उसने मेरे घर से निकलवा दिया
और मैं तो उसकी आस पे बैठा था और मेरी आस पे पानी फिर गया। आस्तीन के सांप, ये बता हमें करना क्या है? मुझे रब्बर सिंह चाहिए, वो भी जिंदा। और अब तुम कहोगे कि रब्बर कोई भेड़ बकरी का बच्चा नहीं, दौड़े जो पकड़ लिया। और आसान कामों के इतने पैसे भी नहीं दिए जाते। दीरो, एक काम कर, आगे वाला भी तू ही बोल ले सारा। रब्बर सिंह ने तेरी फैमिली को मार दिया, तेरे हाथ काट दिए, तुझे अभी भी शर्म नहीं आती? जाओ और जाके हैंडीकैप कोटे में पीसीओ खोल ले और लोगों से कहना कि नंबर भी खुद ही डायल करे। रब्बर सिंह ने ऐसा ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है कि इसकी पेंसिल किसी काम की नहीं रही। देखो तुम मेरी फिक्र मत करो, इस काम के लिए मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा। लेकिन उस पर तो 50,000 का इनाम है। हाँ ठीक है, 40 मैं रख लूंगा, 10 तुम रख लो, ऐश करो। और मैं जा रहा हूँ 1 नंबर करने के लिए। ये क्या कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार कपिल और कृष्णा के सामने 1-1 नंबर की बात कर रहा है? अरे हमसे बात करनी तो 10-10 नंबर की बात कर। 1 और 2 नंबर तो तू कर रहा पिछले 6 साल से स्टेज के ऊपर। अगर मैं चाहूँ ना, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। आज तेरी इज्जत का सवाल है। ये हरामगढ़ की पानी की टंकी गुलाम कैसे घूम रही है? यूके हरामगढ़ की झोपड़िया में रहने वाली लड़की हर टाइम यूके 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 करती रहती है। अरे लंदन कभी देखा तूने? यूके हमें ज्यादा बात करने की आदत तो है नहीं। हाँ जिस तरीके के आजकल तुम्हारे एक्ट चल रहे ना, तुम्हें ज्यादा बोलना सूट भी नहीं करता। ज्यादा बकवास मत करो और जल्दी से जल्दी हमें रबर के अड्डे तक पहुंचा दो। यूके हम 2-2 लड़कों के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा 2-2 लड़कों के साथ नहीं जाएंगे? चलो हम 1, 2, 3 के साथ जाने को तैयार हैं। तेरे को 2 के साथ जाने में क्या प्रॉब्लम? और तू तो अपने आप में एक पूरा गर्ल्स कॉलेज है। यूके वैसे हम एक बात बताएं, हाँ। हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं क्योंकि आज होली है और पूरे का पूरा गांव इधर ही आने वाला है। होली। फंटास्टिक, फंटास्टिक। हरामगढ़ वालों, आई एम द रबर मैन। एक सवाल पूछूंगा। 24 मार्च ठीक है, अरे हमको मालूम आने के बाद तू पूछने वाला है। एक और सवाल पूछूंगा, देखता हूँ। हम 3 ये क्या? अगला सवाल यही है ना, कितने आदमी थे? लेकिन एक और सवाल का जवाब देखता हूँ कौन देता है। तुम यही पूछोगे ना कि सरकार तुम्हारे ऊपर कितना इनाम रखी थी? तो पूरे 50,000। ए भाई एक सवाल पूछू। पूछो। अरे मेरे को यहाँ बुलाया क्यों है? सारे सवाल जवाब तो तुम आपस में कर रहे हो। नहीं मैं थूक देता हूँ। प्लीज, पब्लिक स्पिटिंग इज नॉट गुड। 24 मार्च के डेट के साथ एक और डेट आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, 12 मार्च। अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाना मत भूलिएगा और साथ में बिरयानी सीमेंट खाइए, तंदुरुस्ती बनाइए। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार। अब मैं और शैतान फैन। यूके हमेशा वेंट प्यूरिफाई का ही पानी पीजिए और अपनी विस्की पे सिर्फ प्यूरिफाई पानी डालिए। अरे तुम लोगों ने यहाँ मजाक समझ रखा है, मजाक समझ रखा है। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है कि बेटा चुप हो जा, मंत्रा का एक्ट 10 मिनट बाद बंद हो जाएगा। मजाक उड़ा रहा है। तेरे को मालूम है एक बड़ी बात, तेरे को मारने की सुपारी हमको ठाकुर ने दी थी। यूके ठाकुर ने तुम सबको सुपारी दी थी? साला नल्ला ठाकुर, तुम सबको सुपारी और मुझे कुछ भी नहीं दिया। अरे मरना मारना छोड़ो, मैं बचपन से होली खेलने के लिए तरस गया हूँ, मैं आज होली खेलने आया हूँ। होली खेलो, होली है।
शर्म चाहिए तुम लोगों को, आज खुशी का मौका है और तुम लोग यहाँ डांस कर रहे हो। मुझे भी थोड़ा लाल रंग दो। एक मिनट, ये क्या है? अब थोड़ी देर में लाल हो ही जाएगा। तुम लोग क्या समझते हो मेरे हाथ काट कर कि क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? नहीं, मैं हारमोनियम बजा के रोटी खा लूंगा लेकिन भूखा नहीं मरूंगा। रबर, यस। आज खुशी का मौका है, सब लोग आपस में एंजॉय कर रहे हैं, क्यों ना हम दोनों पुरानी दुश्मनियां भूलकर एक दूसरे को गोली मार दें। मजाक किया, जस्ट किडिंग। बजाओ, हम भी डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे। होली हो। हम आपको ऐसे ही हमेशा हंसाते रहेंगे, तो डेफिनेटली हंसने के लिए मिलते रहिए ओनली ऑन सेंटर फ्रेश च्यूइंग गम प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।